प्रतीक्षा जी एक चीज़ मैं बताऊँ, असमंजस की स्थिति जो कांग्रेस में रायबरेली और अमेठी के लिए है, वो सिर्फ अमेठी और रायबरेली नहीं है, वो पूरी पार्टी में ही असमंजस की स्थिति है। वो पार्टी खुद ही असमंजस में है कि हम हैं तो क्यों हैं और क्या करने के लिए हैं। आपको मैं बताऊँ कि जितना यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में कांग्रेस एकदम नॉन एग्जिस्टेंट, एकदम अदृश्य हो चुकी है, वो कहीं अब है नहीं। जो हम थोड़ा सा अखबारों में, टीवी चैनल्स पे जो बात कर लेते हैं सो कर लेते हैं, ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं है। इवन जब सोनिया प्रियंका गांधी जी पिछली बार जो है जब चुनाव संभाल रही थी वहाँ पे, तो ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ अखबारों और टीवी में हो रहा था कि कुछ बाइट्स आ जाती थी कि प्रियंका जी वहाँ गई हैं, वो इससे मिली उससे मिली, जबकि ग्राउंड में जब आपका संगठन नहीं है तो आप करोगे क्या? आप जाके लोगों से मिल भी रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके पास संगठन यूपी में ख़त्म हो चुका है। और जो इस बार रायबरेली और अमेठी में जो जिस तरह से इन्होंने उसको भी छोड़ दिया है, एक तरह से छोड़ा हुआ लग रहा है, छोड़ दिया मैं नहीं कहूँगा, छोड़ दिया हुआ लग रहा है, उसके बाद इनका जो एक किसी भी राजनीतिक दल के लिए केंद्र की राजनीति को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति होने का एक जो अनसेट सा जो एक नियम है, उस नियम से भी ये बाहर हो गए। तो अमेठी रायबरेली जिस तरह से देखिए, आप अगर अमेठी की बात करें तो राहुल गांधी जी कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे कि उसको वो दोबारा से मैनेज नहीं कर सकते थे, और वहीं रायबरेली में कोई सोनिया गांधी जी इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीती कि उसे बीजेपी नहीं कर सकती। तो ये दोनों सीटें 50-50 में आज भी हैं। अगर दोनों के कैंडिडेट, प्रचार और सब चीज़ें अच्छी हो जाएं तो नतीजा कहीं भी जा सकता है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से, जिस दिन से वो हारे, उन्होंने अमेठी से नमस्ते कर ली, वो ये दिखाता है कि आप जनता को किस तरह से लाइटली लेते हो, आप जनता, एक वोटर, एक आम आदमी को कितना सीरियसली लेते हो, ये आपकी राजनीति करने के स्टाइल को दर्शाता है। यही हाल इस समय रायबरेली का हो रहा है। अगर सोनिया जी ने एक्टिव राजनीति से, उन्होंने सडनली रात में तो सपना आया नहीं और सुबह उन्होंने चिट्ठी लिख दी, ये तो एक साल दो साल से निर्णय लिया गया होगा, तो वहाँ पे सक्सेशन प्लान क्यों नहीं था कि वहाँ पे सोनिया जी जब जो है राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगी तो एक्स वाई जेड ये आदमी जो है वहाँ पे एक्टिव होगा। वो तो सक्सेशन प्लान ऐसे ही होता है ना कि जब ये हट रही हूँ धीरे धीरे एक आदमी को खड़ा कर रही हूँ, ये हो क्या रहा है? और अभी जो जयदीप जी कह रहे थे कि वहाँ पे अगर घेराबंदी कर, आज इनके पास यूपी में घेराबंदी करने के लिए आदमी कौन है? कौन जाके रायबरेली में या अमेठी में प्रचार करेगा या घेराबंदी करेगा? ये तो खुद इस बुरी तरह से घेरे में घिरे हुए हैं कि उस घेरे से पहले खुद तो निकलें तब तो घेराबंदी करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।